फंदे से लाइव पकड़ने वाला हूं मैं हमारा आज का सब्जेक्ट। ये रहा हमारा आज का सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। 3 महीनों की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के बाद आज टाइम है हमारे आज के सब्जेक्ट को पकड़ने का। आज का हमारा सब्जेक्ट है निवला, जिसको ग्रे इंडियन मंगोज कहा जाता है। आज इस 10 रुपए के गोश्त के टुकड़े से, जो कि मुर्गी का सर है, इस टुकड़े से और इस फंदे से लाइव पकड़ने वाला हूँ मैं हमारा आज का सब्जेक्ट, मतलब हमारा ग्रे इंडियन मंगोज जिसको निवला कहा जाता है। क्योंकि आज हम पकड़ने वाले हैं अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइव इस पिंजरे से और इस छोटे से गोश्त के टुकड़े से। तो साथ साथ मैं ट्रैप बनाऊंगा, ट्रैप सेट करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको हमारे आज के सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन ट्रैप किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से लगाते हैं, ये मैं ना आपको दिखाऊंगा और ना ही बताऊंगा, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर आप मुझे ट्रैप लगाते वक्त देख भी लें या मेरी टेक्निक्स भी जान लें, तो आप कभी भी ट्रैपिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। 5 साल का तजुर्बा है मेरा, 5 साल का एक्सपीरियंस है। जिस चीज़ को आप पकड़ रहे होते हैं, प्रॉपर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब जाके आपको आइडिया होता है कि फलां चीज़ को किस तरह से ट्रैप करना है। तो ट्रैप लगाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, मैंने उस स्पेसिमन के डाटा कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं, उसकी लेंथ लेनी होती है, उसका वज़न करना होता है। तो ट्रैप करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये होता है, और वीडियो के एंड में मैंने उस सब्जेक्ट को आज़ाद करना होता है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है हमारे ग्रे इंडियन मंगोज का एरिया। तो इस एरिया में 3 महीनों की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट कब निकलता है, कब जाता है, कौन से रूट से जाता है और कब उसको पकड़ना है, किस तरीके से, किस तरह से उसको पकड़ना है। टाइम उसका हो चुका है, बस अभी ट्रैप सेट करना है और इंतज़ार करना है, फिर आपके सामने होगा हमारा सब्जेक्ट। आप ज़रा ये एरिया देखें, सारे का सारा एरिया, ये एरिया है हमारे आज के सब्जेक्ट ग्रे इंडियन मंगोज का, नेवले का। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ से निकलता है, मिट्टी को खोदता है, अपनी खुराक हासिल करता है, खाता है, और शाम के वक्त वो आता है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे है उसकी बिल, उसकी सुरंगें, उसकी बोरोस, जहाँ पे वो रात गुजारता है वहाँ पे। वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, अभी टाइम है उसके आने का। तो ट्रैप सेट करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ से आता है वो, और गोश्त के टुकड़े की स्मेल से हो ही नहीं सकता कि वो मेरे ट्रैप में ना आए। तो अभी सिर्फ हमने ट्रैप सेट करना है। मेरा ट्रैप तैयार हो चुका है, अभी हमने सिर्फ इंतज़ार करना है। और जैसे ही हमारा आज का ग्रे इंडियन मंगोज यहाँ पे आएगा, गोश्त की स्मेल से वो मेरे ट्रैप से बच नहीं सकता, इस चीज़ की गारंटी है। तो बस रखना है और इंतज़ार करना है। बाय बाय। तो यहाँ पे बैठना है और इंतज़ार करना है। मेरी टीम के 2 लड़के जो हैं दूसरी तरफ पे हैं, और ये मैं यहाँ पे हूँ, कैमरामैन मेरे सामने है। हम इशारों में बातें करेंगे और बस इंतज़ार करना है। टाइम तकरीबन हो चुका है उसके आने का, इंतज़ार करते हैं। जब आप ट्रैप लगा लेते हो तो सबसे बड़ा काम होता है इंतज़ार करना, बहुत मुश्किल होता है। मुझे इतना तो पता है कि अगर वो मेरे ट्रैप के आसपास आ गया तो वो बच के नहीं जाएगा, इंतज़ार करना है। तो तकरीबन 30 मिनट के इंतज़ार के बाद हमें इशारा मिल चुका है कि हमारे लड़कों ने ग्रे इंडियन मंगोज नेवले को देख लिया है। अब इंतज़ार करना है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके शॉट भी लें हम। तो आ चुका है, ट्रैप के आसपास है।
ट्रैप मेरा जो है वो सामने लगा हुआ बिल्कुल। बिल्कुल है। अगर आप देखें वो देखें कितना पास है हमारे ट्रैप के। बिल्कुल अभी हमने शोर नहीं मचाना। गाड़ियाँ मोटरसाइकिल यहाँ पे गुजर रही हैं, लेकिन उसने हमारा गोश्त का टुकड़ा देख लिया है और अगर भाग भी जाएगा तब भी वो वापस आएगा उसको खाने के लिए। हमने सिर्फ इंतज़ार करना है उसके ट्रैप में फंसने का। अभी यहाँ से मोटरसाइकिल गुजरा है लेकिन इसके बावजूद भी वो डरा नहीं है। बहुत पास था। वो देखें ज़रा। ये देखें। हमारा आज का सब्जेक्ट ग्रे इंडियन मोगोस, जिसको उर्दू में नेवला कहा जाता है, पंजाबी में न्योला कहा जाता है, सराइके में नोलू कहा जाता है और हिंदी में भी इसको नेवला कहा जाता है। तो ये पूरे के पूरे एशिया में पाया जाता है, एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको देखा जाता है। इसी वजह से इसको ग्रे इंडियन मोंगोस कहा जाता है। इसको बहुत सारी कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस भी करवाया गया है, जैसा कि क्यूबा में, हवावी में और वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि उन कंट्रीज़ में सांपों की, जहरीले सांपों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वहाँ पर रोडेंट्स की, चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो उनकी तादाद को कंट्रोल करने के लिए इन नेवलों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस नेवले का साइंटिफिक नेम है हर्पेस्टिस एडवर्टसी और ये नेवलों की फैमिली हर्पेस्टाइडी से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान में नेवलों की दो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, स्मॉल इंडियन मोंगोस और ग्रे इंडियन मोंगोस। ये है हमारा ग्रे इंडियन मोंगोस, जो कि साइज़ में 17 से 18 इंच के करीब हो सकता है और वज़न में 1.5 किलो से 4 किलोग्राम के करीब हो सकता है। अगर आप देखें इनमें वाजिया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, जिसका मतलब है आप नर और मादा को बहुत आसानी के साथ पहचान सकते हैं, क्योंकि नर के आपको वाजिया तौर पे टेस्टीज नज़र आते हैं जबकि फीमेल के, और फीमेल जो है साइज़ में नर से छोटी होती है जबकि नर का साइज़ बड़ा होता है। अगर आप इनका कलर देखें, ज़रा आप देखें कितना भूखा है ये। कुछ ही मिनटों में इसने मुर्गे का सर जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया है, थोड़ा सा बचा है और वो भी ये खा जाएगा। तो आप गौर से देखें इसके आगे वाले जो पैर हैं, इसमें 5 उंगलियां हैं और पीछे वाले पैरों में 4, और इसके मुंह में 40 दांत होते हैं, इतने तीखे के स्किंटों में पलक झपने की देर भी नहीं होती और आपकी उंगली काट सकते हैं, खूनों खून कर सकते हैं। जब तक ये गोश्त का टुकड़ा मुर्गे का सर ख़त्म करेगा तब तक हम उसको आज़ाद भी कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये ज़मीन के अंदर सुरंगें बना के रहना पसंद करते हैं। डायर्नल मैमल्स होते हैं, जिसका मतलब है दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और रात के वक्त सुरंगों में पत्थरों के नीचे आराम करते हैं। तो अब चेक करते हैं कि ये मेल है या फीमेल। मुझे इसकी दुम को पकड़ना पड़ेगा लेकिन बचना भी पड़ेगा साथ ही साथ इसकी बाइट से, क्योंकि वही बाल आ गए इसके थोड़े से, बहुत गुस्से में है ये। एक बार इसकी टेल हाथ में आ जाए तो पता चल जाएगा कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन नीचे से ही चेक कर लेते हैं। ये फीमेल है क्योंकि इसके टेस्टिस नहीं हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न इनका पूरा साल ही चलता रहता है। मेटिंग सीज़न में मेल और फीमेल जो है सेंट छोड़ते हैं, ऐसा यूरिन छोड़ते हैं जिसको सूंघते हुए मेल और फीमेल जो है आपस में मिलते हैं, मेट करते हैं, और एक फीमेल जो है 65 से 60 डेज़ के बाद, कैस्ट्रेशन के बाद जो है 2 से 4 बच्चों को पैदा करती है और वो बच्चे अपनी माँ के साथ 2.5 से 3 महीनों तक रहते हैं, उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। ये टेरिटोरियल होते हैं, इनका ख़ास एरिया होता है। हर सुबह शाम इस तरह की झाड़ियों के ऊपर खड़े होकर या चलते वक्त अपना यूरिन छोड़ते हैं, टेरिटरी मार्क करते हैं, जिससे दूसरे नेवले
अब पहले वाले नेवले के एरिया में नहीं आते, तो ये देखें किस तरह से ये गुस्सा हो रहा है मुझे काटने के लिए। वीडियो बनाने के साथ साथ मुझे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये नेवला मुझे बाइट ना कर ले। इसके सलाइवा में, इसके थूक में रेबी वायरस का ख़तरा हो सकता है। अल्लाह ना करे कभी किसी को रेबी वायरस हो, अगर किसी को हो जाए तो उसका मतलब है मौत पक्की, क्योंकि दुनिया में आज तक रेबी वायरस का इलाज नहीं है। रेबी वायरस के साथ साथ हमारे नेवले मंगोज़ जो हैं एक ऐसे पैरासाइट को एक्सीडेंटली कैरी कर लेते हैं जिसको टैक्सो प्लाज्मा गोंडाए कहा जाता है। वो पैरासाइट जो है कैट फैमिलीज़ में होता है, जंगली बिल्लियों में, बड़ी बिल्लियों में, छोटी बिल्लियों में और डोमेस्टिक घरों में पाई जाने वाली बिल्लियों में जो है वो होता है। मंगोज़ में वो ट्रांसफ़र कैसे होता है? अगर किसी बिल्ली में वो पैरासाइट ऑलरेडी मौजूद हो और ये नेवला उस बिल्ली को खा जाए तो वो पैरासाइट जो है नेवलों में आ जाता है, और वो नेवला अगर किसी इंसान को, किसी दूसरे जानदार को काट ले तो चांसेस होते हैं वो पैरासाइट उस बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाए पैरासाइट जो है आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, आपके लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, आपके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिसका मतलब है मौत पक्की। तो जब भी आप बिल्लियों को या इस तरह के वाइल्ड मैमल्स को हैंडल करें, प्रॉपर ग्लव्स पहने, उनको चूमे ना, किस मत करें, उनके साथ ज़ुबान टच मत करें, तभी आप इस तरह के वायरस और पैरासाइट से महफूज रह सकते हैं। तो लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन जो होता है वो इनका होता है 8 से 12 साल के करीब, और पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे लोग इनको घरों में रखना पसंद करते हैं, इनको पेट बना लेते हैं। ये बहुत अच्छे, बहुत कमाल के पेट बनते हैं, दोस्त बन जाते हैं। जिस घर में ये होगा समझ लें वहाँ पे ना तो कोई जहरीला बिच्छू आएगा और ना ही कोई जहरीला सांप वगैरह। तो ये थी ग्रे इंडियन मंगोज़ नेवले के बारे में, नेवले के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। 3 महीनों की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनली हमारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको ट्रैप किया, मैंने आपके साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और अब टाइम है इसको आज़ाद करने का, रिलीज़ करने का। मैं इसको पप्पी नहीं करूँगा, इसको किस नहीं करूँगा, क्योंकि रेबीज़ का ख़तरा रहता है और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, ये ख़तरा मैं मोल नहीं लूँगा। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे मेरे इलम में वीडियो देखने वाले जो है उनके इलम में इजाफा होगा, और इस तरह से नेवले का काम पूरा हुआ। अब टाइम है इसको आज़ाद करने का, रिलीज़ करने का। रिलीज़ करने से पहले दूर से ही पप्पी, दूर से ही बहुत सारा प्यार, तो अभी हम इसको करते हैं आज़ाद। तो अभी हम करने वाले हैं आज़ाद हमारे ग्रे इंडियन मंगोज नेवले को। बाय बाय मेरे दोस्त, और जी लो अपनी जिंदगी। 3, 2, 1 एंड गो। जाओ 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 जाओ, जाओ।